दिखाओ, अपना अपना सब ब्रश दिखाओ। हाँ 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 हाँ, गुड। दोनों साइड देखी है क्या बात। हाँ गुड गुड। आदर्श कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है आरुष, बता दो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी देखिए हम लोग रेडी हो गए हैं, इधर देखिए भाभी भी रेडी हो गई है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ, मेरी चाची है, थर्ड नंबर वाली चाची है, उनके घर हम लोग का खाना बना है, तो वहीं पे जा रहे हैं। और आज कौन सा डे, आज है वेडनेसडे, और फिर कितने आज 31st है शायद, हाँ 31st है। और आज हम लोग जा रहे हैं दावत पे, और अभी वेट कर रहे हैं ऑटो का, क्योंकि हम लोग पूरा फैमिली जा रहे हैं, तो ऑटो आएगा उसके बाद हम लोग जाएंगे। और यहाँ देखिए बच्चा लोग रेडी होकर पूरा हुड़दंग मचा लिया है कि उन लोग को जाना है जाना है, लेकिन ऑटो आ नहीं रहा है, तो बस हम लोग वेट कर रहे हैं और सब रेडी हो गए हैं। और आधी पलटन घर में है, सब अभी निकलेंगे। ये देख लीजिए मेरी भाभी को भी, ये फोटो खींच ले। हम लोग गाइस निकल गए हैं, ऑटो नहीं आया, तो अभी ऑटो नहीं आया, ऑटो खराब हो गया। अब हम लोग पैदल चल रहे हैं, आगे जाके पकड़ेंगे ऑटो, ऑटो स्टैंड पे जाके फिर वहाँ पे पकड़ेंगे। तो अभी इतना दूर पूरा गली में हम लोग को पैदल ही जाना है हम लोग को। और ये मेन तो बच्चों लोग के लिए ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग बहुत तंग कर देते हैं। कार था, तो बस उन्हीं का कार से हम लोग आ गए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 15-20 मिनट में हम लोग पहुँच गए। 20 मिनट लगा भी नहीं होगा ना, 10-15 मिनट में हम लोग पहुँच गए। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं, और बारिश का मौसम हो रहा है, लेकिन अच्छा है बारिश देने से पहले हम लोग पहुँच गए। तो हम लोग पहुँच गए हैं, और आप लोग देख सकते हैं कितना जंगल वाला एरिया, देख सकते हो पूरा हरियाली ही हरियाली है। और यहाँ पे हमारी चाची का घर है। गाइस हम लोग पहुँच गए हैं, और यहाँ देखिए मेरी कैमरामैन, ये मैं हूँ, यहाँ देखिए और ये मैं हूँ। ये फोटोग्राफर जरिए संपर्क जरूर करिएगा हमसे। हाँ, हमारा फोटो फैक्ट्री के नाम से पेज है। हाँ, तो प्लीज फॉलो अस, थैंक यू। जरूर कर लीजिएगा, तो आप लोग फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए अभी सबसे बढ़िया मैं लैपटॉप में फोटोज देख रही है। हमारे लिए जल्दी सबसे बढ़िया आज नहीं जाएगा, अरुष 14 तारीख को जाएगा ना। अरुष बोलो, मैं 14 तारीख को जाऊंगा। बोलो अरुष, 14 तारीख को जाएगा। अच्छा है ना, मेरे गाइस चाची के घर में खाना खाने के बाद फिर हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड और आरुष तीनों आ गए थे बाटा शॉप पे, आरुष के लिए शूज़ लेने के लिए, क्योंकि कल ही उसका स्कूल ओपन होने वाला था। सब दिखा
गाइस यहाँ मेरी फैमिली से मिल लीजिए। ये देखिए ये मेरी चाची है, हाय करिए, मेरी बहन है, और यहाँ पे तो मम्मी से मिले ही हैं आप, और पिंकी से मिले हैं, और ये आरुष है, पिंकी उतरे हैं, मैं हूँ। चलो इतना हाय अब हाय बोलो। आज देवरानी के घर में आई हूँ, पार्टी है, मीट और मांस खाया आज, थोड़ा तबीयत खराब है, फिर भी खा लिया है, मछली थोड़ा मांस खाया है, रोटी मंगा के खा लिया है, आन दिया है जात, बस अच्छा होने से हमारा बेटी का क्या करना है, सपोर्ट सपोर्ट तो मेरी जेठानी है, ये मेरी जेठानी का लड़की है, मेरी जैसी है, ये मेरी लड़की है, हाँ देखिए ना, मैं सब फैमिली यहाँ पर अभी हूँ, दो नात नतनी पोता पोती है, नाती है, नतनी है, दामाद है, बेटा है, सबको सब यहाँ पर अभी सारा फैमिली में यहाँ पर एकजुट हूँ, और मेरा जैदी का सपोर्ट कीजिएगा। सो गाइस फाइनली मैं अपने ससुराल भी आ गई थी, बैकग्राउंड देख के आपको तो पता चल गया होगा, तो मैं चाची के घर गई थी जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, और फिर उसके बाद ही मैं यहाँ आ गई वहीं से, और आए हुए मुझे अभी आधा घंटा हो गया है, और ये वाली साड़ी देख सकते हैं, ये मुझे चाची ने दी है ये वाली साड़ी, और कुछ भी सामान मैं लेके नहीं आई हूँ, कल पापा आएँगे या भाई आएँगे तो लेके आ जाएंगे, सारा वहीं पर है, तो बस अब मैं आ गई हूँ, अब आप लोग को ससुराल का ब्लॉग देखने को मिलेगा, मायके का चैप्टर अभी अब क्लोज हो गया, अब जब जाऊँगी तभी हम ब्लॉग शूट करेंगे, आपको तो देखने को मिलेगा, तो और सच में बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता है वहाँ से आना, मैं उस टाइम कभी भी नहीं शूट की, ये पूरा रह गई थी, मुझे बिल्कुल भी आने का मन नहीं कर रहा था, मुझे उठता ना मायके जाने से फिर आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, वही मेरे साथ हो रहा था, मैं गई थी इतने दिन रह गई, एकदम मतलब आने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, ससुराल तो आने ही है, तो वैसे बहुत रोना आया, मम्मी भी रोई, ना भी रोई सब रहे, लेकिन उस टाइम कभी भी मैंने शूट नहीं किया क्योंकि रोऊंगी ये वीडियो शूट करूँगी, अब कोई नहीं, थोड़ा दुख का ही बात है, लेकिन रहने के लिए जाने वाला वो बात अलग होता है, लेकिन कभी कभी मिलने वाला वो अलग ही बात होता है, तो इस बार काफ़ी दिन रह के आई हूँ मैं, सो अभी मैं थोड़ा किचन गाड़ी काम करने मिलती हूँ आप लोग से, चले देखा।